स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री एंड जी के शशि सिडाना पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है, रीट टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है साइंस एंड मैथ की, और उसी टेस्ट सीरीज के पार्ट साइंस से आज हम टेस्ट 7 जो है वो लेने जा रहे हैं। तो रीट टेस्ट सीरीज साइंस का टेस्ट 7 जो है वो आज हम लेने जा रहे हैं, जिसका जो सिलेबस है आपका फिजिक्स से हीट एंड टेम्परेचर, थर्मामीटर, हीट ट्रांसमिशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सोलर प्लैनेट्स, जिससे हमने जोवियन प्लैनेट्स यानी बाह्य ग्रह डिस्कस करने हैं, और केमिस्ट्री से ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन चक्र। तो ये आज के टेस्ट के हमारे टॉपिक हैं। साथियों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर आपके कम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड, केवल रीट ही नहीं बल्कि हर कम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो जो हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं। जनरल साइंस ऑलमोस्ट पूरी करवा दी गई है और बहुत जल्द अन्य सब्जेक्ट भी हम लोग शुरू करने वाले हैं। साथियों, आप यूट्यूब पर हमारे चैनल को शशि सिडाना नाम से भी सर्च कर सकते हैं, और चैनल का लिंक व्हाट्सएप पर प्राप्त करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9928782905 पर अपना नाम व पता लिखकर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको चैनल का जो लिंक है वो व्हाट्सएप पर सेंड कर दिया जाएगा, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट की जो आंसर की है वो टेलीग्राम चैनल पर ही भेजी जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, तो वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो साथियों, मूव करते हैं हमारे टेस्ट 7 की ओर। टेस्ट 7 शुरू करने से पहले बता दूं आपको, टेस्ट देने का प्रोसीजर वही रहेगा। हर रो में 5 क्वेश्चन आपने करने हैं और 25 क्वेश्चन इसमें आपको दिए गए हैं। हर रो में 5 क्वेश्चन सोल्व करने हैं और 25 क्वेश्चन का आपका टेस्ट ये लिया जा रहा है, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर का ताप है 98 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री फारेनहाइट, 98 डिग्री फारेनहाइट मानव शरीर का ताप है। स्क्रीनशॉट ले लें आप, आराम से सोल्व कर लें क्वेश्चंस को, स्क्रीनशॉट ले लें साथ साथ। तो पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर का ताप है 98 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री फारेनहाइट, 98 डिग्री फारेनहाइट। दूसरा क्वेश्चन, किस ताप पर सेल्सियस व फारेनहाइट पैमानों का पाठ्यांक समान होता है, -40 डिग्री, 40 डिग्री, -32 डिग्री, 32 डिग्री। तो किस तापमान पर सेल्सियस व फारेनहाइट पैमानों का पाठ्यांक जो होता है वो बिल्कुल सेम होता है, तो वो -40 डिग्री, 40 डिग्री, -32 डिग्री और 32 डिग्री। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, ठंड के दिनों में प्रातःकाल लोहे का टुकड़ा लकड़ी के टुकड़े की तुलना में अधिक ठंडा होता है, ठंड के दिनों में प्रातःकाल लोहे का जो टुकड़ा है वो लकड़ी के टुकड़े की तुलना में अधिक ठंडा होता है क्योंकि। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इन्हें पढ़ के आप आराम से आंसर दें, और मैं फिर कहूँगा कि आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद चले हम चौथे क्वेश्चन की ओर, उबलते हुए जल की तुलना में भाप से हाथ अधिक जलता है, उबलते हुए जल की तुलना में भाप से हाथ अधिक जलता है क्योंकि। उबलते हुए जल की तुलना में भाप से हाथ अधिक जलता है क्योंकि। तो 4 ऑप्शन आपके सामने आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, तो आप लोग स्क्रीनशॉट इनका ले लें तो आप आराम से क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। 5वां क्वेश्चन जो है, ग्रीष्म ऋतु में सफ़ेद वस्त्र पहनने चाहिए क्योंकि। ग्रीष्म ऋतु में सफ़ेद वस्त्र पहनने चाहिए क्योंकि। और 6ठा क्वेश्चन, आणविक संगठन द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण कहलाता है, आणविक संगठन द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण कहलाता है। उसके बाद हम मूव करें 7वें क्वेश्चन की ओर, पहाड़ों पर जल उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस
ताप पर 100 डिग्री सेल्सियस से उच्च ताप पर 100 डिग्री सेल्सियस से निम्न ताप पर उक्त दोनों पर। अगला क्वेश्चन, तेज हवा वाली रात्रि ओस नहीं बनती। तेज हवा वाली रात्रि ओस नहीं बनती। तेज हवा वाली रात्रि ओस नहीं बनती क्योंकि, मैं फिर कहूंगा आप स्क्रीनशॉट ले लें तो बड़े आराम से आप क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। नौवां क्वेश्चन, पृथ्वी का वायुमंडल किस विधि से गर्म होता है? पृथ्वी का वायुमंडल किस विधि से गर्म होता है? और दसवां क्वेश्चन, फारेनहाइट पैमाने में जल का हिमांक बिंदु है। फारेनहाइट पैमाने में जल का हिमांक बिंदु है। ग्यारहवां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संबंध सही है? निम्न में से कौन सा संबंध सही है? बारहवां क्वेश्चन, निम्न में से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? निम्न में से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? तेरहवां क्वेश्चन, परम शून्य ताप है। परम शून्य ताप है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री फारेनहाइट, 0 डिग्री केल्विन या 0 केल्विन और 0 डिग्री रिक्टर या 0 रिक्टर। परम शून्य ताप है। उसके बाद मूव करें हम 14वें क्वेश्चन की ओर। निम्न में से ग्रह मंगल व शनि के मध्य स्थित है। निम्न में से वह ग्रह जो मंगल व शनि के मध्य स्थित है। पंद्रवां क्वेश्चन, निम्न में से जोवियन ग्रह है। निम्न में से जोवियन ग्रह है। सोलवां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ग्रह पानी में नहीं डूबेगा? निम्न में से कौन सा ग्रह पानी में नहीं डूबेगा? सत्रहवां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है? निम्न में से कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है? साथियों स्क्रीनशॉट लेते रहे हर पेज का ताकि आप क्वेश्चन आराम से सोल्व कर सकें। 18वां क्वेश्चन, फोबे टैथिस व मीमास किस ग्रह के उपग्रह हैं? फोबे टैथिस व मीमास किस ग्रह के उपग्रह हैं? 19वां क्वेश्चन, लेड नाइट्रेट का तापीय अपघटन करने पर बनने वाली गैस है। लेड नाइट्रेट का तापीय अपघटन करने पर बनने वाली गैस है। 20वां क्वेश्चन, अवायवीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी है। अवायवीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी है। 21वां क्वेश्चन, सोडियम धातु की क्रिया ऑक्सीजन अधातु से करवाने पर एक द्विअंगी यौगिक प्राप्त हुआ तो इस यौगिक की प्रकृति होगी।
क्षारीय अम्लीय उदासीन उभयधर्मी, सोडियम की क्रिया ऑक्सीजन से करवाने पर जो द्विअंगी यौगिक प्राप्त हुआ है उसकी प्रकृति होगी। 22वां क्वेश्चन, निम्न में से एक धातु उभयधर्मी ऑक्साइड का निर्माण करता है। निम्न में से एक धातु उभयधर्मी ऑक्साइड का निर्माण करता है। तेईसवां क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रवृत्ति है। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रवृत्ति है। चौबीसवां क्वेश्चन, मैग्नीज का +7 ऑक्सीकरण अवस्था में बना ऑक्साइड होगा। मैग्नीज का +7 ऑक्सीकरण अवस्था में बना ऑक्साइड होगा। पच्चीसवां और अंतिम क्वेश्चन, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का नाइट्रेट व अन्य लवणों में परिवर्तन ताकि यह पौधों द्वारा ग्रहण की जा सके। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का नाइट्रेट व अन्य लवणों में परिवर्तन ताकि यह पौधों द्वारा ग्रहण की जा सके कहलाता है स्वांगीकरण, अमोनीकरण, नाइट्रीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो साथियों, हर पेज का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आप लोग हर रो में 5 क्वेश्चन सोल्व करते हुए मुझे आंसर शीट जो है वो मेरे मोबाइल नंबर 9928782905 पर सेंड करें 8:30 बजे तक। 8:30 बजे तक आपके आंसर की मेरे पास पहुंच जानी चाहिए। उसके बाद 9 बजे आपकी जो आंसर की है वो टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी, तो उससे आप अपनी आंसर शीट को मिलान कर लें और सही और गलत की संख्या भी हमें सेंड करें। तो साथियों, यदि आपको हमारे वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल लग रहे हैं तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में टेस्ट 8 के साथ, जो कि 1 मार्च को आपका लिया जाना है, जिसमें फिजिक्स का दाब, वायुमंडलीय दाब, बायोसी फोर्स यानी कि उत्प्लावन बल, साउंड, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, प्रोपेगेशन एंड साउंड पोल्यूशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से तारा व इसका जीवन चक्र, फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक होल यानी आदर्श कृष्णिका का निर्माण, मून व मेट्योराइट्स यानी कि चंद्रमा व उल्का पिंड, उसके बाद केमिस्ट्री में ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो साथियों, ये हमारा 8वां टेस्ट रहेगा जो कि आपका 1 मार्च को लिया जाना है। तो एक बार फिर निवेदन करूंगा, यदि आपको हमारे वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल लग रहे हैं तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।